तो पीने के बाद लगता ऐसा तारू निश भाई है जो कि लास्ट दो तीन ब्लॉग पहले भाई कैब में बैठते हैं तो कैब में बैठने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। और अभी क्या ना कि सुबह के 8:30 बज गए हैं और रात में क्या ना कि मौसम अच्छा था तो सूख उठने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मौसम बहुत दिन के बाद ठंडा था तो सोए रह गए थोड़ा देर तक। और आज आपको इतना चिल हम इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ना कि आज लंच ले जा रहे हैं नहीं है हमको ऑफिस में, क्योंकि ऑफिस की तरफ से ही आज लंच हम लोग को मिलने वाले, हमारे जो मैनेजर है ना वो प्रोवाइड कराएंगे क्योंकि परफॉर्मेंस वगैरह पूरी टीम की अच्छी थी। इसलिए क्या होता ना कि कभी कभी अगर आप परफॉर्म अच्छे करते तो आपके मैनेजर आपको लंच ट्रीट करते, तो आज सारे फ्लोर पर सबको ना लंच मिलने वाला है आज, तो हम लोग ऑफिस में ही लंच करेंगे पूरी टीम के साथ। और कि दो तीन दिन के बाद है ना क्रिसमस भी है तो क्रिसमस वाइब भी चल रहा है अभी तो मस्त एकदम। तो रात में क्या होता है ना कि जैसे निकलते हैं ना दो दिन से देख रहे हैं तो पूरा ना ऑफिस में ना सजावट किया हुआ है। तो ये आपको इस वीडियो में दिखाने वाले कैंपस में किस तरह से हम लोग का क्रिसमस सेलिब्रेशन हो रहा है, मीन्स के काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं कि क्रिसमस ट्री लगा हुआ, वहाँ पर लाइटिंग वगैरह लगा हुआ तो रात में ना बहुत खूबसूरत नजारा दिखता है। तो वो चीज़ आपको ना हम दिखाएंगे जब हम ऑफिस खत्म करके निकलेंगे तो उस टाइम पे दिखाएंगे आपको वो सारा चीज़। तो अभी फिलहाल हम जाते हैं, रेडी होते हैं ताकि नहीं तो फिर बातों बातों में ही देरी हो जाएगी क्योंकि कैब क्या ना आजकल टाइम पे आती है तो हमको जल्दी से पहुंचना पड़ता है अपने स्टॉप पे। तो हम रेडी होते हैं, फिर आपको रेडी होने के बाद मिलते हैं। सुबह रेडी हो गए मस्त नहा धोके एकदम। और यहाँ पर एक चीज है ना कि हैदराबाद में कभी गर्म पानी से नहाने का जरूरत नहीं पड़ रहा, घर पे रहते हैं इंदौर में रहते हैं तो ठंडा पानी वहां पे आता है तो गर्म करके नहाना पड़ता था, बट यहाँ पे तो ऐसा है कि ठंडे पानी से नहा लो। तो निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। बाहर में कुछ सोच रहे कि हल्का फुल्का कुछ अगर मन किया तो कुछ खा लेंगे, नहीं तो फिर कुछ पी लेंगे। तो निकलते हैं साथ में, जब शुभम भी जा रहा है अभी यहाँ पे, ये देखिए चले ब्रेकफास्ट करके, ब्रेकफास्ट करेगा, देखते हैं क्या कुछ शुभम को भी कुछ यहाँ का ब्रेकफास्ट टेस्ट करवाते हैं क्योंकि यहाँ पे सुबह सुबह इडली सांभर डोसा वड़ा और क्या क्या रहता है ना। तो ठीक है, देखते हैं रास्ते में और खाते हुए हम यहाँ से ऑफिस निकलते। तो भाई निकल गए, तो अभी क्या ना कैब वाले भैया का ना कॉल आ गया था कि अन्ना कितने देर में आ रहे हैं। हमने बोला 5 से 10 मिनट लगेगा अन्ना स्टॉप पे पहुंचने के लिए क्योंकि उससे पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लेंगे ना, उसके बाद नारियल पानी पीने का मन कर रहा है, उसको पीने के बाद ही कैब में बैठेंगे। थोड़ा क्या ना कि दिन भर एनर्जी बना हुआ रहेगा बॉडी में। आज ना डोसा खा के ऑफिस जा रहे हैं सुबह सुबह के, रोज ना अलग अलग नाश्ता हो जाता था, डोसा ट्राई कर रहे हैं। तो भाई डोसा खा लिया, मस्त मजा आ गया। अब नारियल पानी पीने आए यहाँ पे, एक नारियल पानी पी लेंगे तो पानी का काम करेगा, बॉडी में भी चला जाएगा। भैया एक नारियल पानी पिला दीजिए, पानी वाला मस्त एकदम, देख रहे हैं इतना सारा नारियल है यहाँ पे तो पानी पीते हुए जाएंगे यहाँ पे, मस्त मजा आ जाएगा एकदम। इसको पीने में बड़ी मजा आता है और सुकून मिलता है यार, मतलब इसको पीने के बाद लगता है मजा आता है। तो भाई कैब आ गई, कैब वाले भैया यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा था इसलिए आगे चले गए। ये रही अपनी कैब, ये देखिए कैब आ गई मस्त, कैब आ गई है। आप आगे चले गए थे? नहीं अभी लोकेशन इधर इधर ही बता रहे हैं, हम यहीं पे यहाँ पे खड़े थे, बट आदमी है उन्होंने वीरेंद्र सिंह, हाँ वीरेंद्र, हाँ हाँ वो आगे आगे जाके टर्न करता है, आगे जाके टर्न करता है, फोन भी नहीं उठा रहा है। मेरी उससे बात हो गई है, आप यहाँ से जाके अगर लेफ्ट लेंगे ना तो वीरेंद्र मिल जाएगा, वीरेंद्र मेरी बात हो गई उससे। तो वही कैब में बैठते तो कैब में बैठने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। हाँ बनना ब्लॉग कर रहे हैं यूट्यूब पर डालने के लिए डेली लाइफ। तो अभी बैठ गए, तो आगे में यहाँ से लेफ्ट ले लीजिएगा, यहाँ से आपको मालूम है, हाँ मेरे को मालूम है, यहाँ से लेफ्ट लेंगे ना यहाँ से तो वीरेंद्र आगे खड़ा होगा। तो एक और जो मेरे साथ में एक वर्क करता है तो वीरेंद्र भाई है जो है ना वो आगे में खड़ा है यहाँ पे। अरे यहाँ पे जाम करके रखा है क्या इन लोगों ने, वो हॉर्न मारी है ना एक बार यार, यहाँ पे इन लोगों ने जाम कर दिया रोड, पता नहीं देखना पड़ेगा। भाई वीरेंद्र भी आगे, इधर कितना जाम था तो वीरेंद्र ने पीछे वाला रास्ते से घूम कराया। तो कैसा है भाई? बेस्ट बेस्ट। बस अब चलते हैं ऑफिस की तरफ, अब जाके अपना पहले आई कार्ड वाला चेंज कराना पड़ेगा, जाते के साथ ही तुम लोग को ना अपना आई कार्ड का ये जो कलर है ना पट्टा ये चेंज करवाना है, तो हम लोग जाते हैं अभी और सीधा ऑफिस में आपको मिलते हैं। पहुंच गए भाई, फाइनली वी आर रीच्ड। हम लोग दूसरे वाले बिल्डिंग में जा रहे हैं जहाँ पे आईडी कार्ड चेंज कराना है। तो ये देखिए छोटा वाला गाड़ी चलते रहते एक दूसरे को पहुंचाने के लिए यहाँ पे। तो भाई अपने साथ अरुणेश भाई है जो कि लास्ट दो तीन ब्लॉग पहले आप देखेंगे कि इसमें माइंड ट्रिप में अरुणेश भाई थे, आज फिर से अरुणेश भाई से मिलना हो गया तो हम साथ में जा रहे हैं आईडी कार्ड चेंज कराने के लिए। तो कैसा लग रहा भाई? बस नया आई कार्ड लेना है, माइंड ट्रिप के लिए काम करना है जी, तो LTI माइंड ट्रिप है वो, LTI माइंड ट्रिप हो गया, माइंड ट्रिप नहीं है LTI हो गया। और इसका ना ब्लू और पीला कलर का कलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन उसका है तो अच्छा लगता है वो वाला देखने में, और ये रेड है
और ये अपने साथ वाले अरुण और वीरेंद्र आगे आगे चल रहे हैं। यहाँ से देख रहे हो वॉकिंग करने वाला क्या मस्त लगता है, यहाँ से आपको दिखाते हैं। आपको हम सुबह में बताए थे, मतलब आपको स्टार्टिंग ऑफ वीडियो बताए थे ना कि क्रिसमस का मतलब माहौल बना हुआ है, तो ये देखें यहाँ पे जो है ना क्रिसमस का बना हुआ है, लेकिन लाइटिंग वगैरह अभी नहीं, वो है ना कि रात में दिखेगा, तो रात में भी आपको दिखाएंगे, मस्त लगता है यहाँ पे। A few moments later. तो भाई लोग आईडी कार्ड चेंज हो गया, अब ये वाला आपको दिख रहा होगा। हम अपना आईडी कार्ड पूरा नहीं दिखाएंगे, अपना फोटो वगैरह ड्यू टू प्राइवेसी एंड पॉलिसी, इसलिए बाकी आप ये कलर आप देख लीजिए यहाँ पे कि अब तो क्या था, अब अच्छा लग रहा थोड़ा सा। तो अभी जा रहे फ्लोर पे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, मतलब यहाँ पे लाइन वगैरह ज़्यादा था ना, तो इस वजह से ना यहाँ पे लेट हो गया, तो भूख भी लग रहा, तो लंच का वेट करते हैं, अभी जल्दी से जाते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं, फिर लंच में आपसे मिलते हैं सीधा। काम करने जाने से पहले, फ्लोर पे जाने से पहले एक बार तो मिरर लुक तो बनता है कि अपने आप को देख ले, मतलब अच्छा लग रहा है। और ये जो कार्ड का जो कलर जो है ना, आप देख सकते हैं येलो में है, ब्लू में, और पीछे में थोड़ा सा हल्का फुल्का ग्रीन भी है, तो अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। और कार्ड में छुपा करके आपको नहीं दिखाएंगे मेरा फोटो कैसा आया यहाँ पे। तो जल्दी चलते हैं खाने के लिए, भूख लग रहा है भाई, जल्दी सब लंच मंगवाएंगे अपनी टीम के लिए सब लोग, और उसके बाद फिर खाएंगे टीम के साथ, तो सीधा आपको ना लंच टाइम में मिलते हैं। A few moments later. तो फिर लंच हो गया है, लंच करने के लिए हम लोग जा रहे हैं कैंटीन में, तो कैंटीन में दिखाते हैं कि ऑलमोस्ट अभी 2:30 बज रहा है, तो अभी भूख लग गया था बहुत जोर से यार, तो खाना वाना आ गया सबके लिए इकट्ठा हो गया, तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जाने के बाद आपको हम दिखाते हैं। ये देखें ये कैंटीन, कैंटीन का माहौल देख रहे हैं भाई, कैंटीन का भीड़ देखिए, माहौल देखिए कैसा मस्त बना हुआ, सब लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं लंच चल भी रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे अपना लंच होने वाला है यहाँ पे। पास इट टू नेक्स्ट वन, सबको भाई प्लेट दे देते हैं पास करके यहाँ पे, और यहाँ पे अभी और भी प्लेट्स यहाँ पे आने वाले हैं भाई, क्या इतना सारा आइटम अभी, और इसमें भी पूरा बिरयानी बिरयानी आइटम, सिर्फ बिरयानी आइटम यहाँ पे देख रहे हैं, क्या माहौल एकदम यहाँ का भाई। तो खाना वाना बढ़िया हो गया, खा लिया, पेट भर गया यार, मजा आ गया, मतलब क्राउड वगैरह देख रहे थे कैसा था वहाँ पे, मतलब एकदम पूरा फुल पब्लिक थी वहाँ पे कैंटीन में। तो अब जाते हैं, अब थोड़ा सा काम वाम करते हैं, तो उसके बाद थोड़ा देर के बाद मिलते हैं आपसे। ये अपना भाई तैयार हो रहा है, थोड़ा सा इसको लेके पी लेते हैं, चाय तो पियेंगे, इसमें थोड़ा सा शक्कर डाल लेंगे, थोड़ा सा इसी को पी लेंगे, पूरा भी नहीं भरेंगे। स्टॉप, दो शक्कर में हो जाएगा, लेते हैं इसमें मिला के बढ़िया पीते हैं, उसके बाद काम करने जाएंगे। तो थोड़ा सा दूध पी लेंगे ना तो क्या सुकून मिलेगा, और थोड़ा सा काम करने में मन लगेगा, बीच बीच में एनर्जी बहुत ज़रूरी है। आज तो बिरयानी खा के पार कर दिए, मतलब मज़ा आ गया बिरयानी मतलब खाने में यार, और इतना ज़्यादा लंच हो गया था ना, अगर घर में रहते ना तो नींद आ जाता, बट लेकिन ऑफिस में तो काम करना पड़ता, और बीच बीच में क्या ना कि आपको अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए ना कि दूध या चाय या लेमन टी, बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे, आप जो चाहेंगे वो आपको पी सकते हैं। चक्कर कम हो गया रे, दो डाले फिर भी, क्योंकि ऑलमोस्ट 7 बज रहा है, 2 घंटा और काम करना है 9 बजे तक के लिए, इतना कफ में ना 9 बजे तक एनर्जी बहुत रहता है, और सुबह सुबह नारियल पानी भी तो पी कर आते भाई, तो बढ़िया कम एनर्जी। तो भाई अभी क्या ना कि निकल गए, शिफ्ट खत्म हो गया अभी, मस्त एकदम अभी निकले, और यहाँ पे जो है ना बाहर में सजा हुआ है, तो आपको हमको दिखाते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह किया हुआ है, यहाँ पे सारा चीज़ इधर भी है उधर भी है, तो वहाँ के जाके ना आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे जगह ना लाइट वगैरह लगा हुआ है, और यहाँ पे भी ना लाइट वेट लगा दिया गया, जिससे कि ना कि जिससे ना कि देखने में खूबसूरत लगेगा, और मतलब अट्रैक्टिव लुक आता है यहाँ पे जो है ना इवनिंग टाइम में, खास करके शाम के टाइम आप आएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और यहाँ पे जो है ना कि नाश्ता वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं, खा सकते हैं यहाँ पे आने के बाद, अगर कैंपस के बाहर आप नहीं जा सकते हैं तो कैंपस के अंदर में ही ना यहाँ पे खा सकते हैं। और वहाँ पे फाइनली जो है ना क्रिसमस ट्री है, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं क्रिसमस ट्री है ना, कि वहाँ पे फोटो वगैरह खिंचाएंगे, और फोटो वगैरह देखना होगा तो इंस्टा पे ना आप जाके चेकआउट कर लेना। तो ब्रो यस यस सर, बाय बाय अरविंद भाई। ये ब्रो कहाँ है अपना कैब, कहाँ पे है? 7 सीटर जो रहता है वो सबसे उधर ही रहता है। चलो इधर से आते साथ पहचान लिए हैं, कैसे भैया? तो भाई अंदर आज पीछे का मजा ले रहे, रोज तो आगे बैठ बैठ के आते थे। चल भाई हम लोग पीछे में, हम और वीरेंद्र बैठे हुए हैं, पीछे का भी बैठने का ना एक अलग ही स्वैग है, पीछे में बैठ के आप आराम से मजा लेते जाइए, क्योंकि रोज ना आप लोग देखेंगे पहले भी मैं कैब में ना कि सबसे पहले हम ही बैठते, बट इस बार है ना आई वाज सिटिंग बिसाइड सो दैट कि पीछे का एंजॉय कर पाएंगे सारा। जब तुम जगे जब से तुम नजर में आ रुके, सुबह ही पहुंच गए मस्त एकदम, कार में गाना सुनते सुनते है ना तो मन हल्का हो जाता है, मतलब अगर
क्योंकि काम करने के बाद आप जब निकलते हैं ना तो गाना सुनते हैं ना तो मन कैसा लगता ना, लगता ना कि कितना आराम है, कितना सुकून है एकदम लाइफ में। गाना सुनने के बाद मन अच्छा लगता है और लगता ना कि फिर नेक्स्ट डे के लिए एनर्जी, पूरा दिन का जो इतना भी थकावट रहता है ना तो आप बूस्ट हो जाते हैं मतलब सॉन्ग सुनते हैं, क्योंकि सॉन्ग में ना एनर्जी रहता है जो ना सुन के ना कि आपको थोड़ा सा लगता है रिलैक्स फील होता है। तो अभी जब हम जा रहे अपने रूम पे, लिफ्ट ये वाला ही आ गया, लिफ्ट का सुविधा है तो अच्छा है कि लिफ्ट से हम ऊपर चले जाते हैं क्योंकि थर्ड फ्लोर पे है, नहीं तो जाते जाते हालत खराब हो जाती। तो भाई पहुंच गए, क्या है रूम में कौन लोग हैं देखे तो जरा, कोई नहीं है क्या भाई, खाली है, छोड़ छाड़ के कोई है कि कोई नहीं है, कोई नहीं है, लगा अंदर जाके चेक करते एक बार। भाई ये बहुत रिस्की है, देखिए यहाँ पर लैपटॉप ऐसे ही रखा हुआ है और कोई भी रूम पे नहीं है यहाँ पे, देखिए लोग है बट यहाँ पे लोग सो रहे हैं लोग, बट लेकिन कोई भाई ये नहीं है बताऊँ, सब सो रहे लोग। इट वॉज अमेजिंग डे फॉर टूडे यार, मज़ा आ गया मतलब कि लंच करके और थोड़ा क्रिसमस वगैरह का जो था ना वो देख लिए, मतलब फोटो वगैरह भी खिंचाया सबसे मिले, मतलब मस्त दिन था आज। तो जाते हैं अब अपना वीडियो एडिट करते हैं और खाना वाना खा के जल्दी सो जाएंगे, अब जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय। कहती हुंदी सी चन तकरा बना दे तारे ने।